पहले बड़ा सवाल यही है कि कब होता है विवाह में विलंब, इस पर ज्योतिष क्या कहता है पंडित जी? अर्पिता, अगर हम मानव के जीवन को देखें तो विवाह उसके जीवन का केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण बात है विवाह। और जब विवाह समय पर नहीं हो पाता है तो तमाम तरह की चिंताएं परेशानियां जीवन में पैदा होती हैं। ज्योतिष का नजरिया क्या है, किन ग्रहों की वजह से विवाह में विलंब होता है? देखिए, आम तौर पर विवाह के लिए दो ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं और विवाह को बेहतर बनाने में, विवाह को बेहतर चलाने में भी इन दोनों की ज्यादा भूमिका होती है, शुक्र की और बृहस्पति की। इन दोनों की वजह से विवाह अच्छा होता है, सुखद होता है और शीघ्र होता है। शनि, मंगल और सूर्य विवाह में विलंब के सबसे बड़े कारण हैं। अगर शुक्र और बृहस्पति विवाह जल्दी करवाते हैं, अच्छा करवाते हैं, तो शनि, मंगल और सूर्य विवाह को अलग अलग कारणों से विलंब में ले जाते हैं। इन तीनों के कारण अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब होता है। राहु के कारण विवाह में विलंब भी होता है और आगे चलकर विवाह टूट भी जाता है। यानी राहु बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जो वैवाहिक जीवन में बेवजह के विवाद पैदा करता है। और कभी कभी बृहस्पति भी विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। यानी शुक्र और बृहस्पति विवाह करवाते भी हैं और बृहस्पति की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब बृहस्पति की वजह से विवाह नहीं हो पाता। तो मोटे तौर पे आप एक बात समझिए कि शुक्र और बृहस्पति विवाह जल्दी करवाते हैं, विवाह को अच्छा बनाते हैं, विवाह को चलाते हैं। और जैसा वर और वधु की जो राशियां हैं, वर और वधु के राशियों के बीच का जो संबंध है वो विवाह के तालमेल को बेहतर मानसिक रूप से बना देता है। तो विवाह के तीन विलेन सबसे बड़े हैं, एक है शनि, विलंब से विवाह करवाता है, एक है मंगल और एक है सूर्य। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, मुख्य रूप से ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो बड़े कारणों की वजह से विवाह में विलंब करवा देते हैं। बिल्कुल, और आपने जो तीन विलेन का जिक्र किया उसमें आप एक विलेन की बात कर लेते हैं, शनि की। उसकी वजह से कैसे विलंब होता है? अर्पिता, विलेन का मतलब ये है कि ग्रह कुछ ऐसे कारण बना देते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बना देते हैं कि आपकी शादी में देरी होती चली जाती है। अगर हम शनि को समझें कि शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है, देखिए, शनि आम तौर पर व्यक्ति को करियर की तरफ झुका देता है। यानी आप अपने करियर की तरफ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने करियर में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसी दशा में करियर को प्राथमिकता देते हैं और विवाह को टालते जाते हैं कि अभी मैं और सेट हो जाऊं, अभी मैं करियर को और बेहतर बना लूं, करियर को और अच्छा कर लूं। ये बात उनके दिमाग में रहती है और इसी कारण से विवाह में विलंब होता चला जाता है। यानी जब कुंडली में शनि लीड करेगा, जब कुंडली में शनि प्रमुख ग्रह होगा, तो आप अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं करेंगे और विवाह में विलंब होगा। ऐसे में क्या होता है, करियर तो अच्छा हो जाता है लेकिन विवाह होने का समय बीत जाता है। यानी आप करियर में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आप देखते हैं कि उम्र के 40 साल निकल गए, 42 साल निकल गए, अब शादी क्या होगी। तो फिर शादी का समय निकल जाता है और आम तौर पर करियर में सफलता मिल जाती है लेकिन विवाह नहीं हो पाता।
क्या करना चाहिए अगर करियर के चक्कर में विवाह में बेवजह का विलंब हो रहा हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करना शुरू करिए, आपका करियर भी बेहतर होगा और आप विवाह भी सही समय पर कर पाएंगे। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करना शुरू करिए। शनिवार को मीठी चीजों का दान करिए, गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, मिठाई है, ये हर शनिवार को दान करिए और रोज सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करिए, एक बार सुबह एक बार शाम को, और काली चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से एक तरफ करियर भी बेहतर होगा और एक तरफ आपका विवाह भी समय पर हो पाएगा। नहीं तो शनि की वजह से आप करियर में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि विवाह का समय निकल जाएगा। आपने शनि की बात कर दी पंडित जी, कैसे उससे उबार पाना है, कैसे उन परिस्थितियों से निकल पाएंगे, लेकिन मंगल के कारण कैसे होता है विवाह में विलंब? उसकी भी अर्पिता कुछ ऐसी वजह होती है जिस वजह से हम विवाह को टालते हैं कि कुछ समय में करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, और यहाँ भी कुछ अलग कारणों की वजह से विवाह में देरी होती है। जैसे अगर हम मंगल की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि मंगल अगर प्रभावशाली हो जाए तो व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेता है। जो लोग बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं कि लड़का ऐसा नहीं है, लड़की ऐसी नहीं है, इसका चेहरा ठीक नहीं है, इसके बात करने का तरीका ठीक नहीं है, ये बहुत पैसा नहीं दे रही है, नहीं दे रहा है, तमाम तरह की बातें, तो जब मंगल प्रभावशाली होगा तो व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेता है, बहुत टाइम लेता है। ऐसे में आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता, इतना समय लेता है कि कोई रिश्ता ही समझ में नहीं आता। उनको लगता है हर रिश्ते में प्रॉब्लम है, हर रिश्ते में दिक्कतें हैं और हर प्रस्ताव में कमियां दिखाई देती हैं। कभी लड़का समझ में नहीं आता, कभी लड़की समझ में नहीं आती, और टालते जाते हैं कि और बेहतर मिलेगा, और बेहतर मिलेगा, और ऐसा करते करते विवाह योग्य उम्र निकल जाती है। जब आप हर शादी में, हर रिश्ते में मीन मेख निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको रिजेक्ट करने लगेंगे। पहले आप लोगों को रिजेक्ट करते हैं और बाद में समय आपको रिजेक्ट कर देता है, शादी नहीं हो पाती। क्या उपाय करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, आपको रिश्ते समझ में ही नहीं आ रहे हैं? रोज सवेरे पार्वती मंगल का पाठ करिए, या कम से कम सप्ताह में एक दिन बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करें, शुक्रवार को देवी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें, गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में चढ़ाएं, और कोई विवाह का प्रस्ताव आता है, कोई विवाह का प्रपोजल आता है, तो उस प्रपोजल पर मंगलवार को विचार मत करिए। एक तो आपको रिश्ते वैसे ही समझ में नहीं आ रहे हैं, ऊपर से आप मंगलवार को रिश्तों पर विचार करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी, बात नहीं जम पाएगी। इसीलिए अगर आप बार बार रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, अपने मंगल को बैलेंस करने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि समय एक दिन आपको स्वयं रिजेक्ट कर दे। बिल्कुल, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए, क्या उपाय ऐसे कीजिए जिसकी वजह से अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो विलंब ना हो। लेकिन जैसा आपने पहले ही बताया, तीन विलन हम शनि और मंगल पर बात कर चुके हैं, अब सूर्य पे बात कर लेते हैं। सूर्य के कारण विवाह में कैसे विलंब होता है?
अर्पिता सूर्य की वजह से अपने कारण नहीं होते, अपनी वजह नहीं होती जिस वजह से विवाह में विलंब हो। अगर हम सूर्य को समझना चाहें कि सूर्य की वजह से विवाह में विलंब क्यों होता है, सूर्य का जब किसी कुंडली में ज्यादा प्रभाव होता है तो व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। अपने माता पिता की हो, अपने भाई बहन की हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं और इन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से व्यक्ति अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाता है और अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देता। पहले बहन की शादी हो जाएगी तब मैं शादी करूंगा, पहले भाई की शादी हो जाएगी तब मैं शादी करूंगा। ऐसे लोग अपने से छोटे भाई बहन की शादी पहले करवा देते हैं, अपने परिवार को सेटल करने का प्रयास करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए घर बन जाए, माता की सेवा हो जाए, छोटे भाई बहनों की शादी हो जाए। ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन की चिंता नहीं करते, अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देते। नतीजा ये होता है कि यहां पर कभी कभी विवाह ही नहीं होता। सूर्य वाले पार्ट पर आप इतने ज्यादा जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं, अपने परिवार को साथ में लेकर चल रहे हैं और अपने परिवार की इतनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं कि यहां पर कभी कभी विवाह होने की स्थिति नहीं आती है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, नित्य प्रातः, डेली मॉर्निंग। सूर्य देव के सामने बैठ करके कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने पिता का सम्मान करिए, रविवार को नमक मत खाइए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जिम्मेदारी निभाना एक अच्छी बात है, परिवार को साथ में लेकर चलना और भी अच्छी बात है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सूर्य प्रबल है, उसे थोड़ा सा बैलेंस करिए उपाय करके, ताकि आप थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी दे सकें। जब थोड़ा सा ध्यान आप अपने ऊपर देंगे तो अपने विवाह के लिए भी सोच पाएंगे, क्योंकि होगा ऐसा, सूर्य जो है ना वो आइसोलेशन भी पैदा करता है, सेपरेशन भी पैदा करता है। तो एक समय ऐसा ना आ जाए कि परिवार के सब लोग अपने अपने परिवार को लेकर किनारे हो गए और आप जिंदगी में अकेले रह गए। तो सूर्य अगर आपका प्रभावी है तो उसे बैलेंस करने का प्रयास करें, ताकि सही समय पर आपका विवाह निश्चित रूप से हो सके।